आज राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का एक ट्वीट देखकर काफी दुख पहुंचा। देश के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी झारखंड सहित देश के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से राज्य की स्थिति की जानकारी ली और उन्हें सहयोग देने का आश्वासन भी दिया, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री ने जिस जिम्मेदार पद पर बैठते हुए जिस तरह गैर जिम्मेदारी का उन्होंने ट्वीट के माध्यम से दिखाया, वो निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब से राज्य में नई सरकार बनने के बाद अपनी नाकामी को छिपाते हुए हर बात पर प्रतिदिन अपनी जिम्मेदारी को भूलो और केंद्र सरकार को कोसो। इस कोरोना महामारी में जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री रात दिन लगे हुए हैं और हर राज्यों को, चाहे मेडिकल हॉस्पिटल बनाने के संदर्भ में हो, वेंटिलेटर के संदर्भ में हो, टेस्टिंग के संदर्भ में, हर राज्य को डिजास्टर मैनेजमेंट के द्वारा सारी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। झारखंड में भी एक सप्ताह के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो रिम्स में 450 बेड का उद्घाटन किए, इसमें भी भारत सरकार ने 75 भारत सरकार के द्वारा और 25 राज्य सरकार के द्वारा, उसी तरह जितने भी किट्स के टेस्टिंग हो रहे हैं उसमें भी 75 और 25 भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर है। इसी तरह ऑक्सीजन प्लांट का भी भारत सरकार वहन कर रहे हैं। अभी तक सिर्फ मात्र 4 महीने में डिजास्टर मैनेजमेंट के द्वारा भारत सरकार के द्वारा 200 करोड़ रुपये झारखंड को दी जा चुकी है। इसी तरह हेल्थ स्वास्थ्य विभाग को अलग से पैसे स्वास्थ्य मंत्रालय दे रही है। इतने पैसे मिलने के बावजूद भी जो माननीय मुख्यमंत्री है, जो अनुभवहीन मुख्यमंत्री हम कह सकते हैं, मैं शुरू से कह रहा हूँ अनुभवहीन मुख्यमंत्री, उनके पास शरीर जरूर है लेकिन बुद्धि सक्षम मुख्यमंत्री है। वेंटिलेटर भी भारत सरकार ने भेजी, वेंटिलेटर का आज तक पैकेज नहीं खुला और ये नाकाबिलियत इतनी इसके अंदर है कि अब उस वेंटिलेटर को भी भाड़े में चलाने की योजना बना रही है। तो ऐसी सरकार झारखंड में, जिसके नाकाबिलियत के कारण प्रतिदिन यहाँ झारखंड में संक्रमण की संख्या बढ़ रही है, हर दिन 7,000-6,000 बढ़ रही है और 130-140 झारखंड वासियों की मृत्यु हो रही है। तो इस संवेदनहीनता मुख्यमंत्री को संवेदनशील बनकर, ये समय नहीं है कि एक दूसरे को हम कोसे, राजनीति करने का समय नहीं है, बल्कि हम एकजुट होकर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस वैश्विक कोरोना महामारी में झारखंड भारत को कैसे हम मुक्ति दिलाएं, एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अधीर मत होइए, आप मुख्यमंत्री हैं, जिम्मेदारी निभाना सीखिए और सबका सहयोग लेकर एकजुट होकर हम झारखंड से जल्द कोरोना महामारी से मुक्ति मिले, इसके लिए काम करने की ज़रूरत है। राजनीति करने की अभी ज़रूरत नहीं है, राजनीति करने के लिए काफ़ी समय बचे हुए हैं। आज जो जहाँ भी सेंटर बन रहे हैं, बीजेपी के डबल इंजन की सरकार झारखंड में 3 मेडिकल कॉलेज पलामू, हजारीबाग और दुमका में खोलने का काम किया। आज जो रामगढ़ में कल इन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में कोविड हॉस्पिटल खोला, ये भी भारतीय जनता पार्टी सरकार की देन है। 500-500 बेड का हॉस्पिटल जमशेदपुर में, पलामू में, हजारीबाग में बन रहे हैं। एम्स की स्थापना काम चल रही है, वहाँ भी 100 बेड का बच्चों का पढ़ाई, MBBS की पढ़ाई शुरू हो गई। ये 3 जगह भी MBBS की, जब हमारी सरकार थी 300 बच्चे MBBS में उनकी पढ़ाई के लिए उनकी एडमिशन हुई, लेकिन इस अनुभवहीन मुख्यमंत्री के कारण इस बार इन 3 मेडिकल कॉलेज में 100 बच्चे हमारे MBBS के पढ़ाई के लिए वंचित हो गए। क्योंकि जब डॉक्टर की कमी है, नर्स की कमी है
इसी सोच के हमारी सरकार दूरदर्शी के ध्यान में डॉक्टर की कमी आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमारी सरकार केंद्र की मोदी सरकार डबल इंजन की सरकार ये काम कर रही थी। लेकिन इस सरकार इन 2 वर्ष के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में भी कोई काम नहीं किया, जिनके कारण 300 बच्चे आज MBBS की पढ़ाई से वंचित हो गए। तो मुख्यमंत्री जी अपनी जिम्मेदारी को आप समझिए, आप मुख्यमंत्री हैं, कोई दल के आप अध्यक्ष नहीं हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, राज्य के सभी जनता के मुख्यमंत्री हैं। अपनी जिम्मेदारी को समझे और संघीय ढांचे को मजबूत करते हुए एक टीम इंडिया के तहत काम करते हुए